चाहे छोटी बांसुरी हो, बड़ी बांसुरी हो या कोई भी स्केल की बांसुरी हो, इस होल पे आपको ऐसे अपने नीचे वाला जो आपके अधर कहलाते हैं ना, लोअर लिप, इसके सेंटर को रखना है ऐसे और नीचे कर देना है और फिर ब्लो करना है। फूक जो है पूरा अंदर भी नहीं जाएगा, पूरा बाहर भी नहीं जाएगा, आधा अंदर आधा बाहर, तभी तो वो जो है एयर टकराएगी और उससे साउंड बनेगा। तो लोअर लिप पे रखा, नीचे किया, अरे बांसुरी ऐसे कैसे पकड़ रहे हो, ऐसे ढंग से पकड़ो बांसुरी, ये जो है ये ऐसे, ये यहाँ पर रहेगा, बैलेंस बन गया, देखो गिरनी बांसुरी गिरनी नहीं चाहिए। हाँ, तो ये बांसुरी को आपको सही तरीके से पकड़ना है, अच्छे से बैलेंस करना है। चाहो तो बैलेंस के लिए ये एक होल आप बंद कर सकते हो। अब ये क्या बजा रहे हैं उससे आपको मतलब नहीं है, पहले तो ब्लोइंग सही निकलनी चाहिए। नीचे वाले लिप पे रखा, फोल्ड किया और किस किया, पहला स्टेप अंगूठे और उंगलियों के बैलेंस से आपको बांसुरी को सही तरीके से पकड़ना है। दूसरा स्टेप ब्लोइंग होल के सेंटर को अपने लोअर लिप के सेंटर से मैच करना है। तीसरा स्टेप ब्लोइंग होल को एडजस्ट करके क्लीन साउंड प्रोड्यूस करने का कोशिश करना। अब आपको स्क्रीन पे ध्यान से अंगूठे को देखना है, ये ना तो बहुत दूर है ना बहुत पास है। ऐसे करने से हम बांसुरी को सही तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। दोनों अंगूठे से बांसुरी को बैलेंस करना है और जो आपकी तीसरी फिंगर है उससे बांसुरी के लास्ट होल को कवर करना है, जिससे बांसुरी अच्छी तरीके से संतुलित रहे। दूसरा स्टेप है आपको ब्लोइंग होल के सेंटर से अपने लोअर लिप के सेंटर को मैच करना है और फिर हल्का सा बांसुरी को रोटेट करना है और जेंटली ब्लो करना है। फिर से देखेंगे, ब्लोइंग होल के सेंटर को अपने लोअर लिप के सेंटर से जोड़ा, हल्का सा बांसुरी को आगे घुमाया और जेंटली ब्लो किया। अगर बाय चांस आपका जो होल है वो एयर टाइट नहीं है, कहीं से हवा लीक कर रही किसी भी फिंगर से, तो आवाज़ बहुत ख़राब आएगी, पहले ही बता रहा हूँ। और ये बहुत नॉर्मल है, कॉमन है, घबराना नहीं है। हो सकता है कि आपके बांसुरी में आवाज़ ही नहीं आए ब्लोइंग की, कि आपकी बांसुरी कहीं फट तो नहीं रही है, खराब तो नहीं है, या आपके टीचर कहीं गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, सबके साथ ऐसा होता है, धीरे 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 करके थोड़ा 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 करके आ जाएगा, चिंता नहीं करनी। हाँ, तो इसको पूरा रिवर्स में प्रैक्टिस करना है। ओके, अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप जैसे जैसे नीचे आएंगे, जहां तक आपका आवाज सही आ रहा है, मान लो ये आवाज सही आ रहा है, तो इसी को बार बार ढंग से प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत निकल रहा है फिर गड़बड़ हो रहा है, ऐसा नहीं करना। धीरे धीरे करके फिर एक एक स्वर नीचे उतरिए, एक एक होल को कवर करिए। एक बार में शब्द नहीं करना, पहले दो, फिर तीन होल, फिर चार होल, हाँ धीरे धीरे करके हो जाएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरी किताब संगीतमय चिन्मय भारतीय शास्त्रीय संगीत इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िएगा,
संगीत अध्यात्म संगीत चिकित्सा राग क्या है ठाट अलंकार बहुत सारी जानकारी फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स इंडियन म्यूजिक का पूरा हजारों सालों का हिस्ट्री और मेरे जीवन के अनमोल किस्से मेरे जीवन के अनमोल किस्सों में पिरोई हुई ये एक माला है मेरी किताब संगीतमय चिन्मय बड़ा मजा आएगा जिन्हें संगीत का प्रेम है ना वो तो दीवाने हो जाएंगे और जिन्हें संगीत का शौक नहीं है वो भी संगीत को सीखना शुरू कर देंगे दोनों भाषाओं में अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है अमेजोन का ठीक है जरूर पढ़िएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा तो दोस्तों अभी पहला हमारा टास्क है सही साउंड निकालना और होल्स को धीरे धीरे बंद करना आगे वाले लेसन में हम सीखने वाले हैं कि सारे ग म प द नी बांसुरी पे कैसे बजेंगे तब तक के लिए सही आवाज तो निकलनी चाहिए जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना नहीं तो गुरुजी डांटते भी हैं मस्त रहिए मुस्कुराते रहिए जय हिंद और जय भारत नमस्कार दोस्तों अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और करवा भी दीजिएगा साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों आपका साथ ही मेरा साहस है और शक्ति है अगर आपका साथ यूं ही बना रहेगा तो मैं ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स और बहुत नया नया कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगा तब तक के लिए नहीं हमेशा के लिए मस्त रहिए मुस्कुराते रहिए जय हिंद और जय भारत